मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए गुलाब की बर्फी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। होली के त्यौहार है, इसमें कुछ नया नया बनाया जाए, तो हमने सोचा चलो गुलाब की बर्फी बनाते हैं इस बार। तो ये देखिए, हमने ये मूँगफली भून रही हूँ पहले। तो यदि हमारी चैनल हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो अपने चैनल नानी दादी के रसोई को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ऐसे ही आप लोगों को दिखाते रहें, खाना बताते रहें, और आप लोग बनाते रहिए, खाते रहिए। आप लोग सहयोग हमें दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। वो देखिए, हमने मूँगफली भून दिया। अब इसमें उसी पैन में मैंने ना ये दूध डाल दिया, ये फुल क्रीम दूध है, 1 लीटर दूध है ये। अब इसको गाढ़ा करूँगी मैं, ठीक है, धीमी आँच करके ना, धीमी धीमी आँच पर इसको गाढ़ा करेंगे। ये देखो आप, उबलने लगा ना, अब इसी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। ये देखो आप, करते करते ये गाढ़ा हो गया, टाइम लगा पर हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ सामान मिलाएंगे। ये देखो, ये गुलाब की पत्तियां हैं, जो गुलाब फूल होता है ना, उसके पत्ते हरे हैं, कच्चे नहीं, सूखे नहीं हैं, कच्चे जो गुलाब फूल पौधे से तोड़ करके ना वो लाते हैं, वो है। तो मैंने 4-5 पत्तियाँ इसमें डाली हैं, कम है मेरा सामान ना, इस हिसाब से 4-5 ही डाला है। जैसे केवड़ा डालते हैं ना, खुशबू आ जाता है, ऐसे इसका भी आएगा खुशबू गुलाब का। और ये हमने वो मूँगफली जो भुनी थी ना, उसका छिलका उतार करके इसको पीस करके रखा है इसमें डालने के लिए, ये भी डाल दिया हमने, ठीक है। गुलाब का पड़ गया हमारा, और ये मूँगफली पड़ गया, दूध है। अब इसको मिला लेंगे अच्छा से। हाँ, आप ज़्यादा मत गुलाब डाल देना, नहीं ज़्यादा गुलाब डाल देंगे तो ज़्यादा ही इसका वो खुशबू आने लगेगा, इसलिए थोड़ा ही ना हिसाब से डालिए, 4-5 पत्तियाँ ही डालिए, ज़्यादा नहीं, नहीं ज़्यादा खुशबू आ जाएगा इसका, फिर हार्ड हो जाएगा इसका खुशबू ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए आप हल्का ही रखिए इसका खुशबू, मैंने 4-5 इसीलिए डाला। अब इसमें ये इलायची है, इसके दाने उन्हें ना निकाल करके इसमें डाला है, कूट रही थी, कूटा नहीं मैंने, इसे कलर चलो आधा आधा कूटा डाल दिया। और ये गुड़ है, गुड़ के बुरादा होता है ना खाण, वो मैंने डाला। आज चीनी नहीं डाल रही हूँ, चीनी से नहीं बनाना है, गुड़ से बनाना है, ठीक है। होली है ना, होली में तो ऐसे चीनी चूनी मिठाई वगैरह खा करके आदमी के सेहत ऐसी हो जाती है, थोड़ा एक चीज़ तो कम से कम गुड़ से रहे हेल्दी, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई घी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली दूध है, मूँगफली है, गुड़ है, गुलाब है, जो आपके ठंडक करेगा पेट को गुलाब से ठंडक मिलता है वो करेगा, ये गुलाब के पत्तियाँ इसमें डाल करके, थोड़ा है ना इसलिए मैंने डाला। वो देखो बन गया था, हमने प्लेट में निकाल दिया। और अब इसके ऊपर फिर ये गुलाब है, इसी के पत्ते हमने डाला है इसमें, एक गुलाब के फूल था, इसके पत्ते हमने 5-6 तोड़ करके उसमें डाल दिया और इसके ऊपर आ गया। दे लीजिए, हमारा बन गया, अब ठंडा हो गया, अब इसको काटेंगे, ये ठंडा हो गया ना, अब इसको काट देती हूँ बर्फी के आकार में, चौरस। और आपके जो जैसे काटना चाहे आप काट सकती हैं, मैंने चौरस काटा है। हाँ, आप बनाइए और बना करके हमें बताइए कि आपके गुलाब की बर्फी कैसी लगी, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। गुलाब का वो हो जाता है सेंट, इसका आ जाता है, और जो होता है जैसे आप कौड़ा जल डालते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप बना करके हमें बताना, होली है, आप लोगों को होली की बधाई, हैप्पी होली। अलग अलग घर में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं, सब अपने अपने बना रहे हैं, पर आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोग क्या क्या बनाए, हैप्पी होली, ठीक है। ये देखिए बन गया, अब इसको मैं प्लेट, ये देखिए बर्फी कट रहा है ना अच्छा से आराम से, अब इसको मैं प्लेट में रख दूँगी अलग से, एक ये देखिए इसमें रख दूँगी। आप लोग होली में क्या क्या बनाए, क्या क्या खाए, इस बार ज़रूर कमेंट करेंगे हमें आप, ठीक है। ये देखिए हमारे बर्फी तो बनकर तैयार हो गया पूरा, और अब हम चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कोई और नई रेसिपी लेकर के होली के, ठीक है, और हैप्पी होली मनाएंगे, ठीक। त्यौहार है, अच्छा है, खुशी का दिन है, खूब खुश रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, आप लोग भी खाइए पिए, खुश रहिए, और अपना क्या क्या खाया, क्या क्या बनाया सब हमें बताइए, ठीक है। ये लीजिए, हमारा तो बन गया बिल्कुल रेडी गुलाब के बर्फी, काजू वजू लग करके, अभी हमारा ये एकदम तैयार है, अब हम खाएंगे, आप लोग भी खाइए,
और कमेंट करिए कि कैसा लगा। अच्छा, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।